एक और लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आप आंखें खोल सकते हैं अगर आपको लगे तो खोल लीजिएगा आंखें। जय गुरुदेव एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूं मैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के इस इंट्रोडक्शन में सेशन में। हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ दिस मंथ, ऑलमोस्ट समझ लीजिए अगले हफ्ते 27, 28 और 29 को हमारा होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। 3 से 5 और 7:30 से 9:30, ये हमने टाइमिंग रखी है क्योंकि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के कहने पर। और इसकी फी तो नहीं कह, डोनेशन इसका 1200 रुपए है। तो आप लोग आइएगा अगर आपको जानना है कि होलिस्टिक कुकिंग में हम क्या सिखाते हैं। थोड़ा सा हम आपको रोज देते हैं इंट्रोडक्शन। तो होलिस्टिक कुकिंग में हम, हमारा एम है कि हम आपको ये बताएं कि आप अपना सेहत कैसे ठीक रखेंगे, पहले स्वस्थ खाना खाके। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है, कौन सा खाना, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग होते हैं, हमारी सब कुछ अलग होता है। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक प्राणी अपने में यूनिक है, तो हम सबको अलग अलग खाना सूट करता है। तो आपको कौन सा खाना सूट करता है वो आपको खाना है, जो हम आपको बताएंगे होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, ठीक है। तीन, ये जो तीन दोष होते हैं, हम लोग तीन दोषा लेकर पैदा होते हैं, जैसे वात पित्त एंड कफ, ये तीनों दोष हम सबके अंदर होते हैं और ये हमारे सबके पास होते हैं और हमारे साथ ही आते हैं और हमारे साथ ही जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा खाना अच्छा है, इनफैक्ट हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रकृति है उसको कौन सा खाना अच्छा लगता है।
इन तीनों दो ये तीनों दोष चूंकि हम सब में है, इनमें एक प्रोमिनेंट होता है हर एक में, कोई भी हो सकता है किसी में प्रोमिनेंट। और वो जो प्रोमिनेंट होता है वो हमारी प्रकृति बन जाता है। प्रोमिनेंट होना मींस कि वो ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ज्यादा होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज, क्वालिटी ज्यादा होती है किसी ह्यूमन बीइंग में, तो वो उसकी प्रकृति हो जाती है। तो आपकी प्रकृति को कौन सा खाना अच्छा लगता है, सूट करता है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, वो हम बताएंगे आपको इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, ताकि आपको सही खाना मिले। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे खाना बनाएंगे, स्वस्थ खाना कैसे कुक करेंगे, क्योंकि अभी जो हम खाना बनाने के सिस्टम्स हैं हमारे पास वो अच्छे नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और उनसे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो पौष्टिकता को बरकरार रखने के लिए हम आपको बताएंगे कि आप कौन से यूज करेंगे खाना बनाने के तरीके, जिनमें करीबन 80-85% तक बच जाती है पौष्टिकता, ताकि आप लोग पौष्टिक खाना खाओ। क्योंकि पौष्टिक खाना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। हमारी जो बॉडी की ताकत होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो बॉडी की ग्रोथ होती है, वो मेनली हमारे खाने से होती है। इसलिए हमें खाने हमारे खाने में वो सारे तत्व होने चाहिए जिसको हम पौष्टिकता कहते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें। अब पौष्टिकता का स्वास्थ्य से क्या ताल्लुक है, एक किसी ने मुझे पूछा था। स्वस्थ मैंने कहा सेहत होता है जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे, तो पूछा कि इसमें क्या ताल्लुक है, तो मैंने कहा सारा ही ताल्लुक उसमें है, क्योंकि पौष्टिक आहार जो है वो खुद खुद ब खुद एक हमारे लिए दवाई है। वो हमारे सब कुछ अंदर ठीक करती है, ताकत भी देती है, कमियां भी दूर करती हैं। और अगर हमारे में कुछ वेयर एंड टीयर हुआ होगा उसको भी ठीक करती हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार में वो सब चीजें हैं जो हमें ठीक रखती हैं, सही करती हैं, वो हमको बीमार नहीं करते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फूड इज, व्हाट शुड अवर फूड बी, जो हमको बढ़ाए भी, आगे भी बढ़ाए, डेवलपमेंट भी दे, ग्रोथ भी दे, हमको ठीक भी रखे, दैट मीन्स इट हैज थेरेप्यूटिक वैल्यू भी। इस ये हमें वो सब देगा जो हमें चाहिए, सारी हमारी कमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आजकल सबको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो सब डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी अगर हम नए तरीके से खाना बनाना शुरू करेंगे। और वो नया तरीका हम आपको इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में बताएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पौष्टिक खाना खाने के साथ साथ हमें खाना टाइम पे भी खाना है, नेचर के साथ रहना है, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हम भी नेचर का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। तो इसलिए हमको नेचर के जो अनरिटन रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मानना है, और हमें वो खाना खाना है जो जिस समय नेचर चाहता है कि हम खाना खाएं, ताकि उसको भी काम करने में हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी हमारा सिस्टम है, वो भी जो हमारा सिस्टम है अंदर, दिस इज एज पर जो प्राकृतिक टाइम साइकिल है उसके मुताबिक चलता है हमारा, हमारी बॉडी। क्या हो गया, इट फंक्शंस एज पर द टाइम साइकिल ऑफ द नेचर। मगर जब हम अपने टाइम साइकिल से खाना खाते हैं तो उसमें बहुत क्लैशेस हो जाते हैं और इम्बेलेंसेस हो जाती हैं, दोषों में इम्बेलेंस हो जाता है। तो जब कोई भी किसी भी दोष में इम्बेलेंस आता है तो हम उसको आपको बताएंगे, उसके लिए अलग खाना है। जब किसी भी इसमें दोष में विकृति आती है तो उसको शांत करने के लिए हम आपको बताएंगे कौन सा खाना है, आपको कौन सा खाना खाना है।
और किस समय पे खाना खाना है, टाइम साइकिल के साथ, वो भी हम देंगे आपको टाइम साइकिल। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या खाना है, जैसे डिनर ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, या लंच कितने बजे करना है और लंच में क्या खाना है, या आपको उसमें क्या कहते हैं डिनर में क्या खाना है और कितने बजे खाना है, ये सब हम आपको बताएंगे इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, ठीक है। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि आपकी जो एसिडिटी है वो कैसे दूर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड प्लीज। हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कभी एसिडिटी हो जाए, जो कि आजकल प्रोमिनेंट ही है, ज्यादा हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम आपको अल्कलाइन वाटर सिखाएंगे बनाना। इसमें सिरदर्द के लिए अल्कलाइन वाटर कैसे बनेगा, अगर आपको कोई गैसेस की कोई प्रॉब्लम है या इम्यूनिटी बूस्ट करनी है आपको, या आपको कफ हुआ है, इम्यूनिटी बूस्ट करना मीन्स अगर आपको कमजोरी लग रही है, आपको ताकत बढ़ानी है, तो हम इन चारों के लिए आपको बताएंगे कैसे अल्कलाइन वाटर बनाना है और उसको कैसे आपको पीना है, क्योंकि वो पानी हमें नॉर्मल पानी की तरह नहीं करना है ट्रीट, मगर उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है कि पीना कब कब है और कब नहीं पीना है, ये भी आपको बताएंगे इस कोर्स में। फिर हमारे पास इसमें आपको हम बताएंगे विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार अगेन एक चीज है जिससे हमें बचना है, और अगर हम काफी दिनों तक उसको खाते रहेंगे या ज्यादा, इन द सेंस कि कभी कभार नहीं अक्सर खाएंगे, अक्सर खाएंगे तो उसके उससे भी हमारे शरीर में विकृतियां आ जाती हैं। ये विरुद्ध आहार क्या है ये हम आपको होलिस्टिक कुकिंग में बताएंगे। ये ऐसे होता है कि दो चीजें मिला के, इट्स ए मिक्स्ड वैरायटी ऑफ फूड, चाहे आप मिक्स ग्रेन मिक्स करिए या आप वेजिटेबल्स मिक्स करिए, आप फ्रूट्स मिक्स करिए, कुछ भी मिक्स कर सकते हो आप। स्नैक्स तो यूजुअली बनते ही मिक्स करते कई चीजें, तो उनमें कोई ना कोई चीज होती है जो किसी न किसी चीज से नहीं मिलती है। अगर आप दो चीजें मिलाते हैं तो वो आपस में नहीं मिलते हैं, तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम फिर एक इंग्रेडिएंट को बदल देते हैं, जो हम आपको सिखाते हैं बताएंगे कि कौन सा बदलना है और कौन सा रखना है उसके बदले, रिप्लेस किससे करना है विरुद्ध को, विरुद्धता कैसे हटाएंगे, बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, एक खाद्य पदार्थ एक फूड आइटम रिप्लेस करके उसकी विरुद्धता हम खत्म करेंगे, तब देयर इज नो प्रॉब्लम, तब आप बना के वो खा सकते हैं। मगर जो जैसे अभी चल रहा है, क्योंकि अभी लोगों को मालूम नहीं है, पीपल आर अनअवेयर एंड वी ऑल आर अनअवेयर, आप भी अनअवेयर हो, जब आपको पता चलेगा तो तब आप वो नहीं खाएंगे वैसे, एंड यू विल रिप्लेस द विरुद्ध आइटम, ठीक है। ये हम आपको पूरी लिस्ट देंगे कौन से आहार विरुद्ध है, एक दूसरे के साथ मिलाने से विरुद्ध हो जाते हैं। फिर आता है फिर और क्या बताएंगे हम, टेस्ट, टेस्ट क्यों खाने हैं हमें सारे टेस्ट, एक बैलेंस्ड फूड जब हम खाते हैं हमारे उसमें सारे टेस्ट होने चाहिए, समझ लीजिए मीठा तीखा नमकीन कड़वा कसैला, ये छह टेस्ट हैं जो जनरली होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा हर मील में रखना है।
और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कोई हर एक दोष जो है वात पित्त कफ इनको किसी न किसी टेस्ट से इनमें विकृति आती है, किसी न किसी टेस्ट से वो तीनों दोषों में से किसी एक में विकृति आती है जिससे उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो हम वो भी आपको बताएंगे कि उसका हम पहले ही बता चुके हैं आपके किसी दोष में विकृति आएगी तो उसको क्या खाना खाना है, तो आप खुद ही रेमेडी लेंगे कि अगर आपको कोई चीज एग्रीवेट हो गई है, वात एग्रीवेट हुआ है या कफ एग्रीवेट हुआ है तो आपको क्या खाना है, वो आपको पहले से ही पता होगा, तो वो प्रिकॉशन आप ले लेंगे। उसके बाद आते हैं ये तो टेस्ट हो गए, उसके बाद आते हैं और तीन लाइफस्टाइल्स हैं हमारे, तीन लाइफस्टाइल्स है, एक है सत्वा, एक है रजस, एक है तमस। सात्विक लाइफस्टाइल, राजसिक लाइफस्टाइल एंड तामसिक लाइफस्टाइल। सत्वा हो हम तीनों के बताएंगे, खाने के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये सत्वा रजस एंड तमस को हम कैसे रखेंगे नॉर्मल। सत्वा तो नॉर्मल ही होता है बट हो सकता है कभी रजस में चला जाए जो कि अक्सर होता नहीं है, दैट इज नेग्लिजिबल है वहां पर द ट्रांसफर पर, रजस को खतरा रहता है तमस में जाने का। तो वो आपको बताएंगे कौन से राजसिक खाना क्या है, सात्विक खाना क्या है और तामसिक खाना क्या है और कैसे इन तीनों को अपनी अपनी जगह पे नॉर्मल रखना है। फिर आते हैं हमारे बाकी चीजें जो जैसे हमारे किचन में यू विल फाइंड एंटीसेप्टिक स्पाइसेस, एंटीऑक्सीडेंट स्पाइसेस, एंटीबैक्टीरियल, ये सारी चीजें आपको अपने किचन में मिलेंगी, स्पाइसेस भी और हर्ब्स भी, वो हम आपको बताएंगे सारे कि कौन क्या करता है, ठीक है। फिर एंटीवायरल, अगर वायरल फीवर है तो उसको भी कैसे हम भगा सकते हैं, किस चीज से, कौन से स्पाइसेस से। फिर अगर कोई संक्रमित रोग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं ये भी हम बताएंगे, या अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, दैट कैन इवन बी स्टॉप, उसको कैसे मतलब क्योर टू सर्टेन एक्सटेंट, कम हो सकता है, कम कर सकते हैं उसको, तो वो भी आपको हम बताएंगे इस कोर्स में, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस कोर्स में बताएंगे डिटेल में ताकि आप अपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। यू कैन अप्लाई दीज एज समझ लीजिए फर्स्ट एड शुरू में, जैसे मैंने कहा इस बीमारी को रोक सकते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, ये सब चीजों का इस्तेमाल आप कर लेंगे, धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने को स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। सो दैट वॉज अवर होलिस्टिक कुकिंग का, ये आप आइएगा जरूर इसमें, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे ये कोर्स में, 27, 28 और 29 को है। अगर आपने मैसेज देखा है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको भारती जी, हैंडिंग ओवर टू भारती जी, हैज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दालचीनी का, तो उसको आप सुन लीजिए। भारती जी, भारती जी कहाँ गए, भारती जी भारती जी, वेयर इज यू गॉन, अभी तो थे यहीं पे, रीना भारती जी कहाँ गए, भारती जी नहीं है, अभी थे तो इधर ही आ गई,
फिर से गई। इनको कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं आया है? ठीक है ठीक है। करिए आप ले लीजिए। थैंक यू डूरा जी। यार वेलकम। देखते हैं हम आज अपने मसालों में जो हम दालचीनी यूज करते हैं, है ना, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है और स्वाद में भी वह अच्छा ही है ना। दालचीनी का इस्तेमाल हम करते ही हैं, फिर आजकल तो इस समय में काढ़े के रूप में कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं, तो अगर हम इसकी पूरी जानकारी हो तो हम युक्तिपूर्वक सही तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। तो इनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या है तो वो हम जानते हैं। तो वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर होता है? तो शरीर के धातुओं पर भी इनका असर अच्छा है, क्योंकि जो हमने बताया ना, सात प्रकार के धातु होते हैं, रक्त, रस, रक्त, मांस, मज्जा, है ना, तो इन सब पर इसका अच्छा असर है। तो फिर कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, फिर सेवन कैसे करना है, इन सब के बारे में हम अभी जानते हैं। तो संस्कृत में बहुत सारे इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं आयुर्वेद के अनुसार, जैसे दारू सीता है, फिर है ना, तो इसकी छाल जो है वो शरकर जैसी मीठी होती है ना, मीठा होता है जब ये गीला होता है। तो फिर इसके साथ ही इसके जो पेड़ है उसकी जो पहला ऊपर का जो लेयर होता है उसको निकाल के फिर अंदर के जो लेयर होती है उससे बनाया जाता है। फिर और जो पूरी ऐसे गोल लिपटी हुई थी लकड़ी, ऐसे पूरा लिपटा होता वो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा बताया सुनिए। गया है। फिर उसका जो उसी का उपयोग हम औषधि के रूप में भी करते हैं। फिर इसका जो तीक्ष्ण गुण है वह तीक्ष्ण है, इसके कारण इसको तिक्त भी कहा जाता है, तीखा गुण है, तीक्ष्ण। फिर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम भी है, जैसे दालचीनी है ना, सिलोनी है, सबसे अच्छी यही होती है जो पूरे राउंड में मिलती है, जो दालचीनी है ना। तो इसकी छाल एक पतली और ये मीठी है, इसकी जो तीक्ष्णता है वह कम होती है। तो अब देखते हैं कि आयुर्वेद में इनके औषधीय गुण धर्म क्या क्या है। तो इसका स्वाद जैसे कटु, तिक्त और मधुर बताया है, यानी कड़वा भी है, तीखा भी है और स्वाद में मीठा भी है। फिर इसका स्वभाव जो है वह गर्म होता है, इसका गुण है, स्वभाव इसका जो गुण है वह गर्म है, कि ये शरीर में हल्की है, और हल्की है ये, और शरीर में रूखापन उत्पन्न करने वाली है, और इसमें जो इसकी तीक्ष्णता है वह भी है। तो ये तीक्ष्णता इसकी स्वभाव ही है ना, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा सकती है, क्योंकि इसका जो स्वभाव है वह क्या है, गर्म है ना। फिर गर्म है पर मीठा स्वाद भी है, तो वह कभी कभी पित्त को कम भी करती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का स्वास की प्रकृति है ना, और शरीर का बनावट है, सब वह अलग अलग है। तो कभी कभी ये उसके मीठा तीख तो है ही, लेकिन गर्म भी है, पर मीठा स्वाद जो है वह पित्त को कम कर देती है।
फिर इसके ये गुणधर्म बताए गए। तो दालचीनी का शरीर के धातुओं पर क्या असर होता है इसको हम देखते हैं। तो दालचीनी पाचन संस्थान पर अच्छा असर करती है। फिर इसका जो तीखा व कड़वा रस है इसके कारण ये खाना को पचाने में भी अच्छा है, और जो मान लो जैसे भूख नहीं लग रही है या खाने खाने का मन नहीं हो रहा है तो उसमें भी यह सहायता करती है, मतलब अच्छे से दीपन और पाचन दोनों ये करती है। फिर जो जठराग्नि है उसको उसकी अग्नि को बढ़ाने का भी काम करती है, तो हमारा पचन भी है वह अच्छे से होने लगता है। फिर अगर किसी को भूख नहीं लगती या उनकी अग्नि मंद है ना, खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी यह अच्छी है। तो ये वात अनुलोमन भी है ना, तो ये शरीर में वात की गति को भी प्राकृतिक तरीके से रखती है। फिर और अगर किसी के पेट में जैसे मान लो फूलापन हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है ना, गैस ज्यादा बन रही है, तो उसके लिए भी यह अच्छा है। फिर उन भी तकलीफों को कम करती है, उनकी जो ये तकलीफें हैं उनको वो कम करती है। फिर ये हमारे लीवर के लिए भी अच्छी है ना, तो लीवर में जो फंक्शन है उसको वह एक्टिवेट करती है। फिर किसी को जैसे फैटी लीवर की तकलीफ है या फिर लीवर से संबंधित विकार है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। फिर इसमें कहा गया है जैसे जंतुग्र यानी जैसे पुराना बुखार है या फिर टाइफाइड वगैरह है तो उसमें भी यह काम करती है। यदि पतला दस्त हो रहा है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यह औषधि अच्छी है। तो हमें इससे डॉक्टर की सलाह से हम इसको ले सकते हैं। फिर इसका जो तीक्ष्ण उष्ण गुण है उसके कारण यह शरीर में जो मान लो कफ है उसको भी यह शरीर से बाहर निकालता है पतला करके, है ना, और जो रूखापन है वह कुछ बचा हुआ कफ रहता है उसको भी यह सुखा देता है। तो सर्दी खांसी जैसे में भी इसकी दालचीनी जो है वह अच्छी औषधि है। फिर हृदय से संबंधित रोगों के लिए भी यह अच्छी है, तो इसके कड़वे रस के कारण ये रक्त को भी शुद्ध करती है, खून को साफ करने का काम भी यह करती है। फिर जो इसका मीठा रस है ना, रस के कारण यह जो रक्त और रस धातु है उसको भी बढ़ाने का काम करती है ये। तो दालचीनी उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण जैसे मान लो किडनी किसी की फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी यह काम करती है, किडनी के लिए भी अच्छा है। फिर मान लो कभी किसी किसी को जैसे यूरिन रुक रुक के आता है तो उसमें भी यह फायदेमंद है, वो फ्लो को बढ़ाने वाला है, यूरिन से संबंधित बीमारियों में भी यह अच्छी है। फिर यह गर्भाशय संकोचक भी है, यदि किसी को गर्भाशय से संबंधित कुछ है तो उसके मांसपेशियों को सिकोड़ने का भी यह काम करती है। पर ये हमें सब डॉक्टर से सलाह करके ही हमें लेना है ना। फिर दालचीनी जो है वह दर्द निवारक भी है ना, शरीर में कहीं भी दर्द है जैसे सिर में दर्द है ना, तो सिर दर्द में है तो मान लो इसको दालचीनी को हम घिस कर भी उस जगह पर हम लेप कर सकते हैं तो उससे भी दर्द को यह खींचता है यह। फिर त्वचा में यदि त्वचा से संबंधित यदि कोई बीमारी है तो उसमें भी हम दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर तो जैसे इसके जो तीक्ष्ण उष्ण गुण है उसके कारण इसे ज्यादा मोटा लेप नहीं करना है, पतला लेप रखना है। फिर इसके जो नहीं तो तीक्ष्ण और जो उष्ण गर्म स्वभाव का है उसके कारण तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसकी लेयर को बहुत पतली रखनी है, नहीं तो ज्यादा कर देने से फिर जलन भी हो सकती है। फिर दालचीनी जो है वह मुख शोधक यानी मुख की सफाई के लिए भी काम आता है, मान लो जैसे मुंह में दुर्गंध रहती है उसको भी यह कम करता है। फिर दर्द निवारक भी है, फिर दांतों के लिए भी यह बहुत अच्छा है, दांतों से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसके जो इंटरनल कैविटी है उसको भी उसमें भी यह
अच्छा है और दर्द को कम करता है। वहां पर हम जहां पर दुख रहा है तो कभी देख सकते हैं दालचीनी के पाउडर को लगाकर, या फिर दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा हम दांतों पर चबा सकते हैं, है ना। तो और इसका ऑयल भी मिलता है, जैसे लौंग का ऑयल होता है तो उसी तरह का इसका ऑयल भी होता है, तो वो भी हम लगा सकते हैं रुई में 2 बूंद, है ना, उससे ज्यादा नहीं लेना है। फिर दर्द को उससे भी कम करने में सहायता मिलती है। फिर यदि कभी कभी जैसे चक्कर आना या जी मत जाना, हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय भी जो दालचीनी का पाउडर लेने से बहुत ही अच्छा रहता है, ये जो जी मचला रहा है, उल्टी जैसे लग रहा है वो कम होता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है तो फिर इलायची ले लें, तो वैसा ही छोटा सा टुकड़ा हम मुंह में रख सकते हैं। तो अभी इतने सारे हमने दालचीनी के फायदे देखे हैं, तो अभी दालचीनी की मात्रा हमें कितनी लेनी है ये हम जानते हैं, है ना। तो बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, 500 mg से 1 ग्राम ले सकते हैं, है ना, 1 ग्राम तक इसकी मात्रा हम ले सकते हैं, और कम ले तो 500 mg ले सकते हैं। फिर इसके इस लेकिन उम्र के अनुसार भी है ना, उम्र के कैस कितनी उम्र है, फिर उसकी बीमारी की अवस्था क्या है, फिर उनकी प्रकृति क्या है ना, उन सब के अनुसार डॉक्टर से हम सलाह करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और जो मान लो तेल का उपयोग करना है तो 2 से 5 बूंद तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिर इसको कब लेना है, जैसे खाने के पहले लें या बाद में, है ना। यदि आपको भूख नहीं लगती तो खाना खाने का मन नहीं हो रहा है तो खाना खाने के पहले हम ले सकते हैं, क्योंकि यह दीपन पाचन का अच्छा काम करती है, भूख भी बढ़ाती है और पचाने का भी काम करती है। फिर यदि गैस में पेट में गैस वगैरह है तो खाने के बाद भी लिया जा सकता है। फिर अपनी तकलीफ के अनुसार हम पहले या बाद में ले सकते हैं, कि जैसे हमें मतलब किस तरह की समस्या हमको लग रही है। तो बहुत से औषधि में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम सीतोपलादि चूर्ण लेते ही है ना, तो इस सीतोपलादि चूर्ण में भी दालचीनी का प्रयोग होता है। इसको आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार शहद के साथ लिया जा सकता है, जैसे खांसी है, सर्दी है ना, या फिर गला खराब है, तो इसमें हम ले सकते हैं। तो इस तरह से दालचीनी के अलग अलग बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो यह होम रेड ये जो है ना दालचीनी, उसको हम होम रेमेडी के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे डॉक्टर की सलाह जरूर ही लेकर करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ना उन किस उम्र में कितना लेना है ना, और उसकी प्रकृति क्या है, फिर उसकी बीमारी कितनी है ना, तो उस हिसाब से हमें ये लेना है। तो ये जो होम रेमेडी है, और जैसे अभी काढ़े वगैरह में तो हम ले ही सकते हैं, 1 चुटकी 2 चुटकी तो हम 1 कप बना रहे हैं तो उसमें या तो पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर उसकी लकड़ी भी डाल सकते हैं ना, तो ऐसा लेकर हम पी सकते हैं। यदि खाली दालचीनी का भी बनाए तो भी दालचीनी, तुलसी, अदरक इतना भी डाल के, काली मिर्च ऐसा डाल के भी हम चाय जैसे फिर उसको गुनगुना पी सकते हैं। यदि थोड़ा कुछ मीठा डालने का मन है तो ब्राउन शुगर है या जैगरी है, ये थोड़ा सा डाल सकते हैं। और फिर बाकी और इसके क्या क्या उपयोग है ना, ये हम अपने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन है इन सब में हम इनका उपयोग कैसे करें, है? और जैसे हमारी जो अभी जैसे मौसम चेंज होने पर जो वायरल होता है उसमें हम कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, ये सब हम इसमें कोर्स में देखेंगे। तो आप लोग जरूर ही इस कोर्स में आइए और इस समय का लाभ उठाइए जो ये पेंडामिक चल रहा है उसमें, ताकि हम अपने और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य को और अच्छा रख सकें, है ना। तो ये जैसे भी टूरा जी ने बता ही दिया है कब कब है यह कोर्स, तो आप जरूर ज्वाइन करिए।
और लोगों को भी ज्वाइन करने के लिए कहिए ताकि लोगों को भी फायदा मिले, है ना। तो आज कोई नए लोग हैं क्या, या किसी कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। आज कोई नया है या कुछ प्रश्न है तो हम पूछ ले। मधुलिका जी, आपने कोर्स किया है? कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं। ममलिका पांडे जी, आपने आपने कोर्स किया है क्या? अच्छा, पहली बार आए क्या? सविता जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा कम ले सकते हैं पिता को, क्योंकि इसका जो गुड़ है ना, गरम है, लेकिन ये उनके लिए भी है। कम मात्रा में हम ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से, सलाह करके भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो इसका मीठा स्वाद है वह पित्त को कम करता है ना। इसका स्वाद तीखा है, कड़वा है और मीठा भी है, तो कभी कभी ज्यादा लेने से तो पित्त बढ़ाएगा ही, बहुत एक चुटकी कम मात्रा में हम ले सकते हैं। तो अभी हमारा और एक सोनिया जी, रीना जी का सेशन है 5 से 6, तो उसमें भी आप जरूर ज्वाइन होइए, और कुछ प्रश्न हो तो। हाँ सविता जी, आपको कोर्स करना है ना, तो लिंक तो भेजते ही है हम, और आप ये करो, आप आपका चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, मैं आपको पर्सनल लिंक भेज देती हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा तुम्ही, आणि मग स्क्रीनशॉट मला पर्सनल पाठवून द्या, आणि स्क्रीनशॉट पाठवलं की आम्ही मग तुम्हाला ग्रुपमध्ये जॉईन करू, ठीक आहे? कोणी कोणालाही लिंक पाहिजे असेल तर व्हॉट्सअप नंबर टाका आपला, मग आम्ही लिंक पाठवू, आणि लिंक भेज सकते है, आपका व्हॉट्सअप नंबर भेजो, फिर हम स्क्रीनशॉट हमें भेजना, फिर हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करें। और अच्छा सा एक कचौड़ी बताने वाली हूँ, मस्त मूंग का स्टफिंग के साथ, मैदा भी नहीं है उसमें, तो देखते हैं उस समय कुछ और साथ में स्टोरी ले लेंगे, तो लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाओ, लोग ज्वाइन करें, लोगों को फायदा हो, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो लोग ज्वाइन होंगे, अट्रैक्टिव डिश है तो मजा भी है, टेस्टी भी लगता है, तो जानकारी मिलेगी उनको वो भी, और प्लस कोर्स की भी, तो साथ साथ मिलेंगे, और कोई सवाल है तो पूछ सकते। कोई सवाल तो है नहीं, सोनिया जी कर सकते हैं एंड।
सोनिया जी, मनी कहीं बिजी लग रहे हैं। जिनको भी लीव होना है वो होइए, बाकी फिर सोनिया जी आएंगे तो ग्रुप एंड कर देंगे। ये आज पहली बार आई लगता क्या मनी मुक्ता जी? मैं मधुलिका सोच पढ़ रही थी। मनी मुक्ता जी